हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे जॉब वैकेंसी की जिसको कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क के साथ साथ सोशियोलॉजी और सोशल साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी आया है टाटा मेमोरियल सेंटर में और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो टोटल 13 तरह की वैकेंसी है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 10th से लेके आपको 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की कई सारी वैकेंसी अलग अलग निकली है। नर्सिंग वालों के लिए भी वैकेंसी है, तो इस पूरे वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि वो कौन सी 13 वैकेंसी है, और साथ ही हम देखेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी को अप्लाई करने का बहुत ईजी मेथड है कि आपको सिर्फ अपना CV भेजना है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आखिर कौन सी वैकेंसी है। दोस्तों, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कंट्रोल कॉमन कैंसर एमोंग वीमेंस ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया गुवाहाटी। इस प्रोजेक्ट के लिए ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा और जितने भी पोजीशंस है सब वाकिन इंटरव्यू नेचर का है, तो यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर कई तरह की वैकेंसी है। जैसे पहला वैकेंसी है सीनियर रिसर्च फेलो का, जिसे PhD और MPhil वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पब्लिक हेल्थ में MPhil या PhD किया है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी भी आपको दिख रहा है साइड बाय साइड, नंबर ऑफ पोस्ट भी दिख रहे हैं। साथ ही ANM के लिए है और ड्राइवर, मेडिकल ऑफिसर, ANM नर्सिंग रिसर्च फील्ड के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए हेल्पर और आया, साथ ही आपको ऑफिस असिस्टेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और हेल्पर सभी के लिए वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे। 10th के साथ साथ BBA, 12th, BSc इन DMLT, साथ ही BSc नर्सिंग, इन सभी के लिए यहाँ पे जॉब पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क वालों के लिए यहाँ पे जो पोजीशन नंबर 3rd है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल वर्क। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा है वो 3 साल का मांगा गया है इन रिलीवेंट फील्ड, और जो कि मैंडेटरी नेचर है, मतलब कि यहाँ पे फ्रेशर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी होगी 25,000 से लेकर 40,000 तक की होगी, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे अप्लाई करें अगर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। बात करें आपका प्लेस कहाँ होगा, वर्किंग प्लेस कहाँ होगा, तो वो होगा गुवाहाटी में फॉर क्लिनिकल स्टाफ के लिए और कमरूप डिस्ट्रिक्ट फॉर फील्ड स्टाफ के लिए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जो ये हमारा पोजीशन है, जो कि सर्वे टाइप का है, फॉर सर्वे है, तो ये आपको शायद यहाँ पे गुवाहाटी में पोजीशन देगा। तो अभी मैं इस बारे में क्लियर नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पे जो कैंडिडेट है, जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ के लिए होगा, बट जो टाइम के साथ ये एक्सटेंडेबल भी हो सकता है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड स्कैंड कॉपी ऑफ अपडेटेड CV एंड अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स टू ईमेल tmccce.guwahati@gmail.com मेंशनिंग द पोस्ट अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट लाइन ऑन और बिफोर 2/8/2021। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं उन्हें अपना अपडेटेड CV के साथ साथ जो उससे रिलीवेंट अदर सर्टिफिकेट्स है उसको अटैच करके आपको ईमेल कर देना है। दिया गया है यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साथ ही आप सब्जेक्ट लाइन में अपने पोस्ट का नाम मेंशन करना नहीं भूले, और आपको जो ये ईमेल है वो 2 अगस्त से पहले पहले भेज देना है। तो ये हो गई, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो गए फॉर द इंटरव्यू उनको एक मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गई पूरी बात इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। दोस्तों, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करना नहीं भूलिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सोशल वर्क के कंसेप्ट भी मिलेंगे और जॉब वैकेंसी, इस तरह से आप अलग अलग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।